अब तो दोनों टीमों के प्लेयर्स और टीम मैनेजर ध्यान देंगे। नियम बताएगा लैला मुनि क्लब हॉस्टल नंबर 2। और यहाँ पे मेन रेफरी के रूप में हमारे बीच हैं सर्वेश दा, साथ ही खेल मंत्री लक्ष्मण टुडू। और यहाँ पे दोनों टीमों के प्लेयर्स एक दूसरे का यहाँ पर परिचय प्राप्त करते हुए और दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के बाद कि हम दोनों प्लेयर यहाँ पे खेलने को तैयार हैं। खेल कथन उन्हें कौन गति रहना है तो हो छह नंबर ऊपर पास 11 अनुकिन तलाना गति ये हो कनार उन्हें 10 नंबर हाथ रही बॉल और हो हम लाहौ को दिया रहे गति कुड़ा मेन खान उन्हें कौन पश्चिम ने खाली रे बॉल पर चिली मचा शॉट कथन उन्हें जमीनी पास मेन खान गलत पास और उन्हें 2 नंबर हाथ रही बॉल हॉस्टल नंबर 2 लैला मुनि टीम। लैला मुनि ने यहाँ पर श्रीकांत भी आ चुके हैं 14 नंबर में और यहाँ पे जीवियर का जमीनी पास अपने साथी प्लेयर के लिए यहाँ पे प्लेयर मौजूद नहीं और ये 2 नंबर के कब्जे में बॉल यहाँ पे बैक शॉट के लिए अपने साथी खिलाड़ी के क्षेत्र में यहाँ पर लेकर आते हुए बॉल कहीं ना कहीं जय गुरु बाबा क्लब कुर्चे बगान और फुटबॉल एकेडमी क्लब गंगा पार्क तला रहे हमारे पेनाल्टी शॉट लेकर गंगा पार्क के लाहौना दमदार शॉट मैन खान 7 और ये एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर और काफी तेज गति से यहाँ पे बढ़ेंगे एक को बीट करने की कोशिश लेकिन कहीं ना कहीं छिनी गई बॉल यहाँ पे 3 के कब्जे से बॉल सुनील को दिया गया और ये राइट आउट के क्षेत्र से है यहाँ पर छिनी गई बॉल फिर से यहाँ पे हॉस्टल नंबर 2 कब्जे में बॉल लेकर बढ़ेंगे यहाँ पे गिरते बजरते प्लेयर 11 के कब्जे में बॉल और यहाँ पे 11 ने अपने साथी खिलाड़ी 6 को देना चाहा यहाँ पे 6 के कब्जे में बॉल यहाँ पे 6 एक को कटाने की कोशिश करेंगे पुनः यहाँ पे 11 से 6 को दिया गया बॉल यहाँ पे और ये मिडफील्ड के क्षेत्र में से बाहर बॉल यहाँ पे शॉट जमाएंगे हॉस्टल नंबर 2 हाँ नोडे कौन हॉस्टल नंबर 2 लतर मथा से शॉट के दाम मैन खान नोडे कौन दो जे में बॉल यहाँ पर काफी तेज गति से बॉल लेकर बढ़े ये जमीनी पास यहाँ पे कहीं ना कहीं छिटक कर आती हुई बॉल 2 नंबर के कब्जे में यहाँ पर पुनः बॉल पर हावी होते हुए 2 नंबर शॉट जमाए अपने साथी खिलाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे दमदार प्लेयर है जेवियर और ये काफी तेज गति से बॉल लेकर बढ़ेंगे लेफ्ट आउट के क्षेत्र से यहाँ पे जीवियर को चुना गया है अब तक जीवियर के कब्जे में बॉल और ये चली गई यहाँ पर 6 के कब्जे में बॉल 2 नंबर हॉस्टल अपने साथी प्लेयर का यहाँ पे मुआयना करते हुए और ये श्रीकांत भी आ चुके हैं काफी ये खिलाड़ी यहाँ पे दानियल के लिए 11 नंबर में है और ये जीवियर आ चुके हैं यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर टच लाइन से बाहर यहाँ पे गिरते बजरते प्लेयर और ये रेफरी महोदय के इशारा यहाँ पर ये है लैला मुनि क्लब हॉस्टल नंबर 2 और ये जमीनी पास यहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी के लिए 14 को दिया गया बॉल यहाँ पे 14 बिल्कुल कहीं ना कहीं 10 कदम पीछे एक फॉरवर्ड शॉट जमाएंगे श्रीकांत और ये शॉट काफी स्थिति सुनिए सुनिए की यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे श्रीकांत के हाथ में बॉल और कहीं ना कहीं यहाँ पे आक्रमण की दिशा में एक यहाँ पे बढ़ेंगे सुनील 12 नंबर के कब्जे में बॉल यहाँ पे लेफ्ट आउट के क्षेत्र से कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पास और ये शॉट जमाएंगे 11 नंबर अपने साथी खिलाड़ी के लिए किशन टीम 3 के हाथ में बॉल यहाँ पे 3 अपने साथी खिलाड़ी जीवियर के लिए पास देना चाहेंगे यहाँ पे जीवियर के कब्जे में बॉल और जीवियर यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए 3 को बढ़ा दिए बॉल यहाँ पे राइट आउट के क्षेत्र से यहाँ पे दाहिने छोर से कहीं ना कहीं आक्रमण के तैयार की यहाँ पे मानवेल का शॉट था और ये भी चिटक कर आता हुआ बॉल 2 नंबर के कब्जे में और ये तेज गति से बॉल लेकर बढ़ेंगे तब तक यहाँ पे डिफेंडर काफी तेज तरार और दमदार प्लेयर है फिर से यहाँ पे मनवल को चुना गया था तब तक ये छिटक कर जाती हुई बॉल डिफेंड क्षेत्र में आयो आयमा सराव भी नहीं था जहाँ तक हमें ले छड़िया को नुआ गति बारे थे अड़ी मौज अड़ी नपाय तो सरी की ओके मुनि के आर हम लेला मुनि आज हमारे हिस्से हिस्से किचन के पास ही बोल और यहाँ पर किचन खिलाड़ी यहाँ पर चाप का इशारा और इस तरीके से यहाँ पर फल देखते ही नीम मगन के खिलाड़ी जश्न बरकार है किस तरीके से हिट करते हैं अपने शादी को ढूंढने के प्रयास जश्न बनो के पास दिया है और यहाँ पर देखते हैं काफी अच्छे अपने शादी को खेलने के प्रयास लेकिन यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर काफी नजदीक में हो सकता है हमारी इनिंग लैला मुनि क्लब की तरफ से लेकिन फिर से यहाँ पर लैला मुनि के पास ही बॉल है जैसे मुबारक के लिए यहाँ पर देखते हैं अपनी शादी को तलाशने के प्रयास में है जैसे मुबारक काफी अच्छे दमदार दिखा के शॉट करने के प्रयास में लेकिन यहाँ पर रोचिंग में है ये हमारे लैला मुनि क्लब हॉस्टल नंबर 2
जो कि दोनों ही टीम अभी तक शून्य शून्य पर चलती हुई। और यहां पर देखते हैं हमारे किचन के पास ही बॉय नीम बगान कुचन काफी अच्छी खेल के प्रदर्शन दिखाती हुई दोनों टीम पर गोल क्रॉस में डालने का प्रयास और ये सीधा निशाने शॉट पर उधर से भी कम नहीं और इसका जवाब पत्थर से देते हैं पर बल मारती हुई और यहां पर से भी कम नहीं जिसने बाहर किया और यहां पर जिसने बाहर को पासिंग दिया है और यहां पर देखते हैं रेडबर्ड क्या कर पाते क्या नहीं अपने साथी को मोड़ने के प्रयास और यहां पर हल्की पावर पुश किया था लेकिन यहां पर कोई खिलाड़ी नहीं और इस तरीके से यहां पर लाइन अमरी के पास और लेकिन इधर से भी कम नहीं शॉट किया लेकिन जमीनी शॉट और ये देखिए थोड़ा सा अपने साथी को धकेल दे जैसे मुबारक लिए प्रयास लेकिन उतना ही अच्छा बचाओ हमारे काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा दिए दोनों टीम ये राइट आउट के क्षेत्र में यहाँ पे दाहिने छोर से कहीं ना कहीं हमले बनाने की कोशिश में यहाँ पर और ये पुनः सेंटर के क्षेत्र में आता हुआ यहाँ पे मनवंदा के लिए पास और ये किचन के एक अनुभवी प्लेयर है और ये जिस क्षेत्र में आ चुकी थी बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पे तालमेल की कमी और ये ऑफ टारगेट पर चली गई बॉल आ रहा एम का दे आरंगते प्लेयर श्रीकांत लगी पास नोने नहीं तभी उन्हें लट्टू टंडी कबन में ना पेट खसा से आर हो मारा मरा आर उन्हें खुन कट्टी मचा सोटा आरंग गति प्लेयर लगी 12 नंबर फिर उन्हें 14 हाथ रही बॉल आर उन्हें खुन 11 सोट मारे के दे बॉल मनवेल दा लगी नोने किचन टी मेन खन आर हो मिस पास नोने खुन 2 नंबर हॉस्टल हाथ रही बॉल 2 नंबर उन्हें खुन मिडफील्ड खुन सोट के दा मेन खान अड़ी दमदार सोट मैंने बोल लगा था उन्हें फिर लाहौ का दे बॉल लाइना मिली टीम लाइला मुनी हाथ रही बॉल उन्हें खुन 15 नंबर मेनखान मनवेल दा इनकी तैनात था उन्हें खुन शॉट बारे कदर से ईस्ट वेस्ट यूनाइटेड मोहन बगान खाली गया अदोन आते मान नुक्तेर के हजू तबुन पे मन वा मंच से गजू तबुन पे आदिवासी कल्याण छत्रावासरन जोतो सीनियर दादा तकु मापे लगी विशेष नेवता से अपिया जगह में ना मंच रे नुडे कोई की बोल गते यल तबुन पे और वर्सेस नीम बगान किचन के बीच में जबकि दोनों ही टीम अभी तक सुने सुने पर चलती हुई और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनार पास और यहाँ पर लैलामणि क्लब जिसमें 12 एक खिलाड़ी को सकाने के प्रयास में और देखते हैं लेकिन यहाँ पर बॉल लेने में चुके इस तरीके से यहाँ पर नीम बगान किचन के पास और जिस नंबर 3 यहाँ पर फिर से बॉल लेने में प्रयास लेकिन यहाँ पर बीच मैदान पर ही बॉल मरा दी हुई जिस नंबर 14 के लिए हमारे नीम बगान के पास ही बॉल और लेकिन उधर से भी कम नहीं जिस नंबर 3 बॉल को रिटर्न किया है जिस नंबर 11 लेफ्ट लेग से आगे ले जाने के प्रयास लेकिन यहाँ पर चाप का इशारा और लैलामणि टीम को काफी नजदीकी मामला हो सकता है और यहाँ पर हिट करने के लिए हमारे श्रीकांत जी काफी अच्छे शॉट खड़ी और हिट किए लेकिन और ये पिलर बनाई गई थी लेकिन पिलर के बल से यहाँ पर बॉल सीधा टकरा ये तो आ रहा हिट लगी थे मिला यहाँ श्रीकांत जी की हिट किरा जमीन हिट अड़ी मजा आ रही भैया लगी मैन खान ये तो हाँ लैलामणि चला रही और लैलामणि ये तो चेत के तक लैलामणि खिलाड़ी मैन खान उठे कौम अड़ी मज हट्टा कट्टा खिलाड़ी जश्न नंबर 9 नीम बगान किचन तला तरफ खन और हनी तो बेकिक चेज के दड़े करना अड़ी मज शॉट लगे पर लैलामणि के पास ही देखते लैलामणि के खिलाड़ी लेकिन यहाँ पर देखते खतरा हो सकता है और यहाँ पर खतरा होने की संभावना था लेकिन यहाँ पर देखते हैं हमारे लैलामणि क्लब खिलाड़ी जो होता है ऐसा नहीं है यहाँ पर साल में सही बात कहे हैं कहीं ना कहीं लैलामणि को लैलामणि क्लब लैलामणि खिलाड़ी के पास ही बॉल अपने साथी को पास दिया जैसे नंबर 6 के लिए तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं अपने साथी को श्रीकांत को पास दिया लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता है हमारे किचन टीम को और ये देखिए काफी अच्छा डिबॉक्स एरिया में बॉल मंडाती हुई गिरते बजरते खिलाड़ी लेकिन हैट शॉट लगाया लेकिन कोई फायदा खिलाड़ी बहुत ही अच्छे अपने बॉल को रोका है और ये देखिए शॉट पास करने का चाह था लेकिन फिर से हमारे नीम बगान किचन और ये किचन के खिलाड़ी काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाती हुआ और अपने साथी के लिए रखेगा लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन और ये देखिए काफी अच्छा लैलामणि क्लब शादी के लिए पास दिया था लेकिन गलत पास और यहाँ पर नीम बगान के खिलाड़ी और ये देखिए बॉल को रिटेन करना चाहा था लेकिन यहाँ बॉल निकल चुकी थी बॉल आउट हो चुकी थी और आउट पास हमारे श्रीकांत के लिए जिस नंबर 14 काफी अनुभव खिलाड़ी हैं काफी बड़े बड़े खेल पर खेले हैं और ये देखिए शादी का पास दिया है क्या होता है क्या नहीं जमीनी पास जश्न नंबर 6 बॉल के पीछे दौड़ पड़े हैं ये देखिए किस तरह का मौका बन सकता है और ये जश्न नंबर 3 के लिए डायरेक्ट गोल क्रॉस में डालने का प्रयास लेकिन खतरा हो सकता था लेकिन हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं और डायरेक्ट गोल क्रॉस में डालने का प्रयास था लेकिन उतने ही अच्छे तंदुरुस्त खिलाड़ी जश्न नंबर 11 हमारे नीम बगान किचन की तरफ से जबरदस्त जीरो एंगल पर बॉल मारती और जोर से माइनस पास अपने साथ के लिए नीम बगान किचन के पास
निम्बगढ़ के खिलाड़ी और ये देखते हैं करके क्या नहीं यहाँ पर गिरते बिगड़ते एक ही खिलाड़ी लेकिन यहाँ पर फिलाइला होने के खिलाड़ी के डायरेक्ट गोल को उसमें डालने का प्रयास में था लेकिन मौका यहाँ पर मौका बन सकता है हमारी लाला मुनी टीम के लिए लेकिन ईस्ट वेस्ट यूनाइटेड मोहन बगान टीम दोनों टीम के टीम मैनेजर और कप्तान महोदय से निवेदन अपने दल बल प्लेयर के साथ तैनात होकर ये मेन मंच के सामने जाने वाले टीम मैनेजर का यहाँ पे व्यवस्था और देखना था यहाँ पर टीचर टीम पहला चांस के लिए यहाँ पे जर्सी नंबर 12 सुनील ये पहला चांस किचन टीम और ये धीमी गति से बॉल ऑफ टारगेट पर और ये बिल्कुल यहाँ पे बॉल पर प्रहार और ये भी यहाँ पर मिस हो चुका है यानी एक एक शॉट के साथ यहाँ पे दोनों गोल यहाँ पर असफल अब तक बराबरी और अडिमा शॉट कदा है मनखान नवा हो बान गोल लेना और किचन टीम बारिया ये कदा बानकिन गोल कदा हमारे कैंपस के अंदर जितने भी प्रीफेक्ट पहला चांस निम बगान किचन मानवेल दा के रूप में और ये काफी तेज गति से शॉट जमा है और ये यहाँ पे पहला गोल देखें तो 14 नंबर यहाँ पे श्रीकांत को चुना गया है अगला चांस के लिए और ये बॉल के ऊपर प्रहार इनका और ये डिसाइडिंग शॉट यहाँ पर मिस हो चुका है सीवियर के रूप में जर्सी नंबर 6 सॉरी यहाँ पर 9 है शायद और ये रेफरी महोदय का इशारा आ चुका है और ये बॉल के ऊपर इनका प्रहार और ये देखना फिर यहाँ पर एक टप्पा खाकर यहाँ पर गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई बॉल और निगाह है बिल्कुल यहाँ पर गोल पोस्ट पर और ये बॉल के ऊपर प्रहार इनका गलत दिशा में चरण का तीसरा मैच फ्रेंडशिप क्लब साहिबगंज वर्सेस ईस्ट वेस्ट यूनाइटेड मोहन बगान और राहुल मेन बगान किचन टीम के ओर से